सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर, माथुर क्लासेस और फवीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। क्वेश्चन ऑफ ग्रेजुएशन लेवल की क्लास में पहले पिछली क्लास वाला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, समाकारिता एफ सी से सी में, जहां एफ ऑफ एक्स प्लस आई टा वाई इक्वल टू आई टा वाई की अस्टी है। ऑपरेशन आपका एडिशन वाला है। अगेन कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म एफ फ्रॉम सी प्लस टू सी प्लस, वी आर एफ ऑफ एक्स प्लस आई टा वाई इक्वल टू आई टा वाई इज। इसमें कर्नल पूछी है आपको होमोमॉर्फिज्म की। कर्नल क्या होती है? जी और जी डैश दो ग्रुप हैं। एफ जी से जी डैश में होमोमॉर्फिज्म में, तो आइडेंटिटी की जो इमेज है जी ग्रुप जी के तत्समक अवयव का प्रतिबिंब जी डैश के तत्समक अवयव पर आता है। इमेज ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी इज ऑन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश। आइडेंटिटी के अलावा कुछ एलिमेंट और होते हैं जिनका प्रतिबिंब इसी तत्समक अवयव पर आता है। तो जी के ये सारे अवयव जिनका प्रतिबिंब जी डैश के तत्समक अवयव पर जाता है मिलके कर्नेल बनाते हैं। ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी हुज इमेज अंडर द फंक्शन एफ इज ऑन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश फॉर्म द सेट फॉर्म द कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो आपको ऐसे देखने हैं इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं सी में जिनका प्रतिबिंब कोडोमेन के तत्समक अवयव पर जाता है। तो लिख देते हैं कर्नेल के हो गया। कौन से एलिमेंट आएंगे? एक्स, या एक्स को जेड लिख देते हैं। जेड सच दैट जेड बिलोंग्स टू सी एंड एफ ऑफ जेड इक्वल टू जीरो। एफ ऑफ जेड इक्वल टू जीरो, जेड की वैल्यू रख देते हैं। एफ ऑफ जेड के लिए रख देते हैं एक्स प्लस आई डा वाई, तो ये जीरो। एक्स प्लस आई डा वाई की इमेज कहाँ जानी चाहिए? जीरो पर। तो ऐसे कौन से एक्स प्लस आई डा वाई है? लेकिन एक्स प्लस आई डा वाई का प्रतिबिंब तो क्या है? एक्स प्लस आई डा वाई का प्रतिबिंब तो आई डा वाई है। आई डा वाई इक्वल टू जीरो। आई डा वाई इक्वल टू जीरो मीन्स वाई इक्वल टू जीरो। जेड सच दैट जेड बिलोंग्स टू सी एंड बाई इक्वल टू जीरो। बाई इक्वल टू जीरो, जेड क्या है आपका? जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई टा वाई है। और जब बाई जीरो हो गया तो सिंपल रियल नंबर्स रह गए। तो क्या हो गया यहां से? फिर दिस इंप्लाइज कर्नेल के इक्वल टू R, R means set of real number। ऐसे complex number जिनका imaginary part zero है। imaginary part zero है तो क्या बचा? X, X real है, y भी real होता है। तो X यानी कि kernel क्या हो गया? real numbers का set हो गया। बिल्कुल pen चलाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको definition पता है kernel की तो सीधे सीधे लिख सकते हैं। दोबारा से समाकारिता F जो C से C में एक function दे रखा है और कैसे परिभाषित कर रखा है? एफ ऑफ एक्स प्लस आई टा वाई बराबर आई टा वाई। इसकी अस्टि कर्नेल पूछी है। अस्टि क्या होता है? डोमेन के उन अवयवों का समुच्चय जिनका प्रतिबिंब को डोमेन के तत्समक अवयव पर जाता है। ऑपरेशन कौन सा है? एडिशन वाला। एडिशन के लिए तत्समक अवयव क्या है? जीरो। तो प्रांत के सी के उन अवयवों को चेक, उन अवयवों को चुनना है जिनका प्रतिबिंब को डोमेन के जीरो पर जाता है। तो x प्लस आई टा वाई का प्रतिबिंब जीरो पर जाता है, तो x प्लस आई टा वाई का प्रतिबिंब तो आई टा वाई है, तो आई टा वाई बराबर जीरो हो गया। आई टा वाई जीरो एंड की y इक्वल टू जीरो, यानी x प्लस आई टा वाई में अगर y जीरो हो गया तो जेड एक्स के बराबर रह गया, यानी कि सिर्फ रियल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस समाकारिता की अस्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स हो गई, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, जेड समतल में रेखाओं x बराबर 0, y बराबर 0 और रूट थ्री एक्स प्लस वाई बराबर 1
से परिसीमित त्रिभुजाकार क्षेत्र का रूपांतरण W बराबर का रूपांतरण W बराबर e टू दी पावर आयटा पाई बाई थ्री जेड के अंतर्गत W समतल में प्रतिबिंब क्षेत्र जिन रेखाओं से परिसीमित है वे हैं। अगेन द इमेज इमेज आर ऑफ द ट्राइंगुलर रीजन द इमेज ऑफ द इमेज ऑफ द ट्राइंगुलर रीजन ऑफ द जेड प्लेन बाउंडेड बाई द लाइन्स एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो एंड रूट थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन डब्लू इक्वल टू ई टू द पावर आईटा पाई बाई थ्री इंटू जेड इन डब्लू प्लेन इज बाउंडेड बाई द लाइन्स विच आर। आपको एक्स वाई प्लेन में तीन लाइन दे रखी हैं एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो और रूट थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन। इन तीनों लाइन से रीजन बनता है, कौन सा रीजन बनेगा ये रहा। एक्स बराबर जीरो बाई एक्सेज होती है, बाई बराबर जीरो एक्स एक्सेज होती है और ये लाइन हो गई। एक्स एक्सेज पर इंटरसेप्ट कितना है वन बाई रूट थ्री, ये ए पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट हैं वन बाई रूट थ्री कॉमा जीरो, ये बी पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट हैं जीरो कॉमा वन। तो ये जो रीजन दे रखा है इन तीनों लाइन से घिरा हुआ, ये ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया आपको W बराबर e टू दी पावर आयटा पाई बाई थ्री इंटू जेड। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है इस ट्रांसफॉर्मेशन से ये जो ट्राइंगुलर रीजन है W प्लेन में कहाँ जाके इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो वो अपन देखते हैं। दी रूपांतरण गिवन ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर e टू दी पावर आयटा पाई बाई थ्री इंटू जेड। ये आप पहले से जानते हैं कि अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है W बराबर e टू दी पावर आयटा अल्फा इंटू जेड, तो वो जो भी रीजन है वो अल्फा एंगल से रोटेट हो जाता है। आपका रीजन क्या है, आपका रीजन ये रहा, ट्राइंगल है ओ ए बी, ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वन बाई रूट थ्री, ये आपने कैलकुलेट कर लिए कॉमा वन जीरो, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं जीरो कॉमा वन और ये लाइन कौन कौन सी लाइन है एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो रूट थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है डब्ल्यू बराबर ई टू दी पावर आयटा पाई बाई थ्री इंटू जेड। तो e टू दी पावर आयटा पाई बाई थ्री यानी कि जो ट्राइंगुलर रीजन है ये क्या होगा पाई बाई थ्री एंगल से रोटेट होगा। तो अपन एक एक लाइन को लेते हैं x इक्वल टू जीरो या पहले लेते हैं y इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो क्या है x एक्सिस, ये पाई बाई थ्री से रोटेट हो गई। W प्लेन बना देते हैं, ये W प्लेन हो गया, ये एक्सिस u, यू एक्सेज वी एक्सेज और ये ओरिजिन। पहले एक्स एक्सेज की बात करते हैं, एक्स एक्सेज कौन सी लाइन है बाई इक्वल टू जीरो, इसको पाई बाई थ्री से रोटेट कर दिया, पाई बाई थ्री से रोटेट कर दिया तो ये लाइन हो गई। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी बाई इक्वल टू टेन पाई बाई थ्री, वाई नहीं अभी यहां यू लिखना पड़ेगा, x के स्थान पर u और y के स्थान पर v, तो ये हो गया v बराबर tan पाई बाई थ्री इंटू यू, या कह सकते हैं v बराबर रूट थ्री यू, एक लाइन तो ये हो गई, ये x एक्सिस रोटेट हो गई। फिर अपन लेते हैं y एक्सिस, y एक्सिस यानी कि x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो को पाई बाई थ्री से रोटेट कर दिया, पाई बाई थ्री से रोटेट कर दिया तो ये कितना हो गया, ये एंगल हो जाएगा 90 प्लस पाई बाई थ्री, वो पाई बाई टू प्लस पाई बाई थ्री, या कह सकते हैं 90 प्लस 60 150, तो ये टेन 150 या टेन 5 पाई बाई सिक्स। तो इसकी इक्वेशन हो गई v इक्वल टू टेन 5 पाई बाई सिक्स इंटू यू, और टेन 5 पाई बाई सिक्स की वैल्यू होती है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो हो गया v बराबर माइनस वन बाई रूट थ्री यू, ये लाइन हो गई।
अब इसकी बात करते हैं, इस लाइन पर अगर अपन ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालें यहां से, तो ये 1/2 के इक्वल है। ओ एम, ओ एम यानी कि परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन 3, ये 1/2 आ गई। ओरल कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, 1/√3+1, 1/2 आ गई। और स्टेप बढ़ा देता हूं, तो अब ये वाली लाइन यहां से कितना एंगल बन रहा है, अगर ये वाला एंगल देखते हैं तो ये 120 डिग्री दिख रहा है। 120 डिग्री कैसे है, इसकी स्लोप लिख सकते हैं आप, स्लोप ऑफ लाइन 3 ये है -√3। -√3 यानी कि ये जो एंगल बनेगा आपका 120 डिग्री हो गया। देयरफॉर एंगल BAX बराबर 120 डिग्री 2π/3। अब ये π/3 से रोटेट हो गया, तो 2π/3 + π/3 पाई हो गया। पाई यानी कि x अक्ष के समांतर हो जाएगी रेखा ये। कितनी दूरी पर होगी, यहां ओरिजिन से डिस्टेंस 1/2 है, तो यहां से 1/2 दूरी पर ये लाइन हो गई V = 1/2। तो अपन एक्चुअल तरीके से नहीं किया, आपको पास ये जानकारी है कि W बराबर e^π/3 × z। ये जो रूपांतरण है, ये रूपांतरण क्या करता है कि जो रीजन है अपने जेड प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, उसको आप ये क्या करता है, π/3 एंगल से रोटेट कर देता है। तो ये जो ट्राइंगल था इसको π/3 एंगल से रोटेट कर दिया, तो रोटेट करने के बाद नया ट्राइंगल ये बन गया। तो इसकी साइड कौन कौन सी हो गई, इसकी साइड आपकी ये हो गई V = √3u, V = 1/2 और V = −1/√3u। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये कह रहा था कि जो जेड प्लेन में रीजन है, कौन सा रीजन है जो x = 0, y = 0 और √3x + y = 1 के द्वारा परिसीमित त्रिभुजाकार क्षेत्र है, वो W प्लेन में कहां जाएगा, अंतर्गत W समतल में प्रतिबिंब क्षेत्र जिन रेखाओं से परिसीमित वो होगा। तो कौन कौन सी रेखाएं आई आपके पास, देखो दोबारा देख लेते हैं, V = √3u, V = −1/√3u, तो यही चेक कर लेते हैं, और ये V = 1/2, तो B = √3u, B = −1/√3u, B = √3u, B = 1/2, तो ये आंसर हो गया। कौन सी इंफॉर्मेशन काम में ली, कि W = e^iα(z), ये जो रूपांतरण है ये जेड समतल के क्षेत्र को अल्फा एंगल से रोटेट कर देता है। अपने पास क्या था, अपने पास है W = e^iα(π/3 × z, तो जो अपने रीजन दे रखा था, रीजन कौन सा था आपके पास, ये ट्राइंगल था OAB, जिसकी साइड कौन कौन सी थी, जिसकी साइड थी x = 0, y = 0 और √3x + y = 1। तो तीनों रेखाओं को अपन ने π/3 एंगल से पॉजिटिव डायरेक्शन में रोटेट कर दिया। तो x = 0 को रोटेट किया, x = 0 यानी कि बाई एक्सिस, तो वो तो बन गई V = −1/√3u, y = 0 यानी कि एक्स एक्सिस, इसको रोटेट किया तो ये बन गई V = √3u, और जो लाइन √3x + y = 1 है, ये एक्स अक्ष से पहले 120 डिग्री का कोण बना रही थी, ये कैसे डिसाइड किया, स्लोप से, इसकी स्लोप −√3 है, यानी टेंजेंट थीटा बराबर −√3 है, एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया यानी 120 डिग्री आ गया, तो ये रोटेट, ये 60 डिग्री और रोटेट हो गई, यानी कि 2π/3 वाला एंगल, ये लाइन AB एक्स अक्ष से 2π/3 एंगल बना रही थी, π/3 और रोटेट हो गई, तो एक्स अक्ष के पैरेलल हो गई। मूल बिंदु से कितनी दूरी पर थी, 1/2 दूरी पर, तो मूल बिंदु से 1/2 दूरी पर और यू एक्सिस के पैरेलल W समतल में लाइन हो गई B = 1/2। तो इसका मतलब फाइनली ये हुआ
कि रूपांतरित रेखाएं कौन कौन सी हो गई उस रीजन की, बी बराबर रूट थ्री यू, बी बराबर माइनस वन बाई रूट थ्री यू और बी बराबर वन बाई टू, तो ये आंसर आ गया। तो ये तो अपन ने कर लिया ट्रांसफॉर्मेशन से, मतलब वो कॉन्सेप्ट से कि रोटेट हो गया रीजन। अब दोबारा करते हैं कैलकुलेशन से। सेकेंड मेथड, द्वितीय विधि, गिवन ट्रांसफॉर्मेशन दी रूपांतरण W बराबर e टू दी पावर आयटा पाई बाई थ्री इंटू जेड, तो W को तो लिख दिया आपने U प्लस आयटा V और e टू दी पावर पाई बाई थ्री को लिख दिया कॉस पाई बाई थ्री प्लस आयटा साइन पाई बाई थ्री, कॉस पाई बाई थ्री होता है वन बाई टू प्लस आयटा साइन पाई बाई थ्री रूट थ्री बाई टू और जेड को लिख दिया एक्स प्लस आयटा वाई। राइट साइड में दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया एक्स इंटू वन बाई टू एक्स बाई टू आयटा रूट थ्री बाई टू आयटा वाई माइनस रूट थ्री वाई अपॉन टू। फिर आयटा वाले टर्म लेते हैं, आयटा वाली टर्म हो गई, एक्स वाली टर्म लिखी पहले रूट थ्री बाई टू एक्स प्लस वन बाई टू बाई इंटू आयोटा किसके इक्वल है यू प्लस आयटा वी। दोनों को कंपेयर कर लिया तो देयरफॉर यू इक्वल टू आ गया एक्स बाई टू माइनस रूट थ्री बाई अपॉन टू और वी बराबर आ गया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर, तो बी बराबर कितना आ गया रूट थ्री बाई टू एक्स प्लस बाई अपॉन टू। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो देखते हैं, एक्स बराबर जीरो पर, एक्स बराबर जीरो पर क्या होगा, एक्स बराबर जीरो यहां लिख देते हैं तो एक्स बराबर जीरो पर हो गया यू बराबर आ गया माइनस रूट थ्री बाई अपॉन टू और वी बराबर आ गया बाई अपॉन टू और इन दोनों को कंबाइंड कर दिया, बाई यहां से हटा दिया, बाई अपॉन टू को रख दिया यहां वी, तो इन दोनों से क्या आ गया फिर यू बराबर माइनस रूट थ्री वी, यानी कि दिस इंप्लाइज वी इक्वल टू माइनस वन बाई रूट थ्री यू, तो एक लाइन आ गई एक्स बराबर जीरो से आ गई। अब लेते हैं बाई बराबर जीरो, बाई बराबर जीरो से बाई बराबर जीरो यहां रखते हैं तो क्या आएगा यू बराबर एक्स बाई टू, यू बराबर एक्स बाई टू और बाई बराबर जीरो यहां रखा तो आ गया वी बराबर रूट थ्री एक्स बाई टू, एक्स बाई टू की वैल्यू इधर रख दी तो यहां से आ गया वी बराबर रूट थ्री यू, दूसरी लाइन ये आ गई। फिर थर्ड लाइन, तीसरी रेखा क्या है रूट थ्री एक्स प्लस बाई बराबर वन, ये रूट थ्री एक्स प्लस बाई बराबर वन तो यहां से है अपने पास, ये रही यहां बी से, ये टू से मल्टीप्लाई कर दिया टू बी बराबर रूट थ्री एक्स प्लस बाई और रूट थ्री एक्स प्लस बाई किसके बराबर है वन के बराबर, यानी टू बी बराबर वन यानी वी बराबर वन बाई टू, यानी फाइनली ये हुआ जो तीन रेखाएं ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी थी आपकी W बराबर e टू दी पावर आयटा पाई बाई थ्री जेड, इस ट्रांसफॉर्मेशन में W को लिखा U प्लस आयटा V, Z को लिखा X प्लस आयटा Y, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया और दोनों साइड में रियल पार्ट के बराबर रख दिया, इमेजिनरी पार्ट के बराबर रख दिया, तो दो रिलेशन आ गए U बराबर आ गया X बाई टू माइनस रूट थ्री बाई टू बाई और V बराबर आ गया रूट थ्री बाई टू एक्स प्लस बाई बाई टू। अब अपनी कौन कौन सी लाइन थी, x बराबर जीरो तो x बराबर जीरो रखा, u और v आ गए दोनों में से y को हटा दिया तो लाइन आ गई v बराबर माइनस वन बाई रूट थ्री बाई,
यानी कि जेड प्लेन की लाइन एक्स बराबर जीरो, डब्ल्यू प्लेन की लाइन वी बराबर माइनस वन बाई रूट थ्री यू पर आ गई, वाई बराबर जीरो, जब जेड प्लेन की लाइन वाई बराबर जीरो कहाँ गई, वी बराबर रूट थ्री यू पर, और जेड प्लेन की रूट थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन ये लाइन कहाँ गई, वी बराबर वन बाई टू पर। तो आपसे यही पूछा था कि जेड समतल का जो तीन रेखाओं से घिरा हुआ क्षेत्र है, डब्ल्यू समतल के जिस क्षेत्र पर प्रतिबिंबित होगा उनकी रेखाएं कौन सी होंगी, बाउंड्री कौन सी होंगी। तो ये बाउंड्री आ गई, कौन कौन सी बाउंड्री आ गई, वी बराबर माइनस वन बाई रूट थ्री यू, वी बराबर रूट थ्री यू और वी बराबर वन बाई टू। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आप ज्योमेट्री से पहले की तरह कर लेंगे वो ज़्यादा आसान है। सीधे सीधे पाई बाई थ्री रोटेट कर दिया तीनों लाइन को, इक्वेशन लिख दी, ऑप्शन चेक कर लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, ये आपके लिए होमवर्क है। यू ऑफ एक्स कॉम वाई इक्वल टू वन बाई टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का संयुग्मी प्रसंवादी फलन बराबर है। कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन ऑफ यू इक्वल टू हाफ ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू। सेकेंड ग्रेड जो संस्कृत डिपार्टमेंट वाले 2023 वाले क्वेश्चन है वही चल रहे हैं सभी अब, और सभी क्वेश्चन पहले उसको करा देंगे फिर दूसरे पेपर के क्वेश्चन लेंगे। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, सब इसका आंसर लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। सभी को नमस्कार।